था माता जी, हमने खुद अपनी आंखों से देखा था। और हमने भी अभी अभी आजी को अंदर से आते देखा और मुन्ना को छज्जे से। लेकिन माता जी, बस करो जौनपुर वाली, हम तो तंग आ गए तुम्हारे ये नए नए रोज के परपंचों से। इन्हीं के कारण आज हमारा एक और नियम टूटा है, इसके लिए हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। ये देखो, यहाँ हम पोते के संस्कार के लिए मरे जा रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, और तुम क्या कर रही हो? इस कमरे से हमारी हर निशानी मिटा रही हो? बेटा तो हमसे पहले ही छीन चुकी हो, अब क्या पोते की खुशी भी छीनने का इरादा है? ये लो, पानी पियो, पानी पियो। हमने कहा था ना गोरे जी, मखाने मत खाओ। क्यों खाए मखाने? होगी ना परेशानी अब। आपले हा बाळावरच प्रेम दात्यांचे उलगडत जाणारे नवे पहलू सगळं खूप छान आहे बाळा। त्या सगळ्याचा आनंद घेत या बाळाचं स्वागत करायला तुम्ही दोघही तयार आहातच। खुदा पहाड़ निकली चुईया, तुम्हारे ससुराल वालों ने शगुन के नाम पे ये रद्दी भिजवाई है। अच्छा, तो इतनी इंटरेस्टिंग बुक पढ़ती थी? अभी तो इतनी इंटरेस्टिंग है, इतनी स्मार्ट है। शिव है क्या? देखिए गौरी जी, हमने सारी बुक्स यहाँ जमा दी हैं, इससे आपको बुक्स पढ़ने में और ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो। शिव प्लीज, इतने नको ना ठेवस पुस्तक। क्यों, जगह सही नहीं है? नहीं नहीं, जागा बरोबर है पण वेळ चुकीची आहे ना। ऐसे क्यों कह रही हैं आप? करते सांगते मी शिव, म्हणजे अम्मा जी या पुस्तकांमुळे चिडल्यात ना माझ्यावर, आणि त्यात तू ही पुस्तक इतक्या प्रेमाने इथेच ठेवशील तर ते अजून रागवतील म्हणून म्हणते मी। पता नहीं क्या हो गया अम्मा को, कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेती है नाराज होने का। कोई बहाना ना हो तो ऐसी नाराज हो जाती है। हम बता रहे हैं आपको, ये बुक्स यहाँ नहीं जमाएंगे ना तो भी नाराज हो जाएंगे। मानोस मानते ना मी कि इतने नको थे उस पुस्तक का, प्लीज। नहीं, बुक्स तो हम यही रखेंगे। यही बात अम्मा की, तो उन्हें मना लेंगे कैसे करके, आप चिंता मत करो, ठीक है? अरे पण गौरी जी, हम आपसे कह रहे हैं ना, ये सब बातें छोड़िए आप। वैसे भी हमारा बेबी बोर हो गया है सारी बातें सुन सुन के। हमने ये सोचा है कि आज से हम इन किताबों में से रोज एक कहानी सुनाएंगे आपको, मतलब हमारे बेबी को। अरे ती पुस्तक मराठी है, तुला नहीं जमणार। जमणार और नहीं जमेगा तो आप सिखा देना। हम आपके लिए और हमारे बेबी के लिए ना कोई भी भाषा सीख सकते हैं। मराठी तो क्या, हम स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच सब सीख सकते हैं। हाँ शिवा, माझा मूड ठीक नहीं है। तू कितीही समजवलंस ना मला, आता तरी मला कळणार नाही काही, प्लीज। गौरीजी, आप अम्मा के बारे में सोच रही ना? देखिए, आपको पता है ना अम्मा की नाराजगी कैसी होती है, पानी की बुलबुले की तरह है। अभी वो नाराज है फिर सब भूल जाएंगी। इनकी नाराजगी को सीरियसली मत लो आप। लेना पड़ेगा शिव, म्हणजे या वही चूक माझीच है। ये सरला को हमने मंदिर भेजा था प्रसाद चढ़ाने के लिए, न जाने कहाँ रह गई। मैं तो समझ में नहीं आ रहा है कहाँ प्रसाद चढ़ा रही है ये बेवकूफ। भोग तो बनाने नहीं बैठ गई, आने दो अच्छी खबर लेंगे। सारा काम हमी को करना पड़ता है इस घर में, परेशान हो गए हम तो। क्या हो गया नर्मदा जी, कोई परेशानी है क्या? आपको बता के कोई फायदा है नहीं, मतलब आपको बताएंगे तो आप तो हमें भला बुरा कहेंगे ना? नहीं, बताइए क्या बात है। देखिए शिव और गौरी ठीक नहीं कर रहे। अब क्या किया उन लोगों ने? आपको पता है कल हम लोग के सोने के बाद गौरी और शिव दोनों घूमने गए थे। अब आप बताइए, गौरी का ऐसी हालत में घूमना ठीक है क्या? नहीं, कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो लोग तो हमें ही कहेंगे ना, हमें ही ताना मारेंगे कि लो सास कितनी निर्दयी है, ऐसी हालत में बहू का ख्याल भी नहीं रखा। नहीं, वो क्या है कि अब आप ये मत कहिएगा कि हम उन्हें समझाते नहीं है। अरे हम तो उन्हें इतना समझाते हैं लेकिन दोनों हमारा कहना ही नहीं मानते। उन दोनों की छोड़िए, आजकल इस घर में कोई हमारा कहना नहीं मानता। नहीं, हर किसी ने मान लिया है कि हम तो गौरी के दुश्मन है ना? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं मानता। अच्छा ठीक है,
तो आज आप शिव गौरी को इस बात के लिए डांटेंगे। कहिए, डांटेंगे उन्हें? हाँ डांटेंगे, क्यों नहीं डांटेंगे, अभी डांटेंगे, अब बल्कि अभी डांटते हैं। अब शिव गौरी आओ। आए बाबूजी। जी बाबूजी। भाई क्या सुन रहे हैं हम है? कल रात तुम दोनों बाहर गए थे घूमने? बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है ये। मतलब रात में गौरी का आराम का वक्त होता है, तुम उस वक्त उसे बाहर लेकर घुमाने ले गए? नहीं मतलब रात में इसके लिए कितना खतरा है बाहर जाना। इस कन्या के कुंडली में सूर्य नीच का है, जो इनके बच्चे के लिए खतरनाक योग बन रहा है। कोई तो उपाय होगा गुरुजी। अब कुछ नहीं माता जी, एक घर ही इसका और इसके बच्चे का रक्षा सूत्र है, और इसके सिवा कोई पर्याय नहीं। सावी, तू आजपर्यंत माझ्यासाठी जे काही केलंस त्या सगळ्यासाठी, त्या सगळ्या गोष्टींसाठी सॉरी अँड थँक यू। सायरस, लाइफ मध्ये तुला डॅड हवं असेल, मम्मा हवी असेल, पण मला माझा भाऊ हवाय। हॅलो, हा भक्ती बेस, तिचं तुमच्याशी काही भांडण घिंडण झालं का? अहो नाही, माझ्याशी काही भांडण नाही झालंय, त्या श्रेयस सोबत काहीतरी बिनसलं होतं आणि म्हणून घर सोडून निघून गेलेली। अत्यंत दबाड मुलगी आहे, तू लक्षात ठेव। या वेळेला मी तिच्याकडे पुरे लक्ष देईन, तिचा उद्देश काही असो, पण मी बेसावत नाही। तिनं काही नाटकं करायला सुरुवात केली ना, तर तिला आपल्या सोसायटीतनं बाहेर। मला भिजायला द्यायला नको होत। तुम्ही भिजू दिलं नसतं तर पावसातला तो छान अनुभव मिळालाच नसता, आणि एका छान अनुभवासाठी थोडासा त्रास झाला तरी काही हरकत नाही। और भी क्या को बोल, काळजी नको करू, गाव वालों को बहुत गर्व है उसके ऊपर। अपनी खुद की माँ छोड़कर वो भारत माँ के पास जा रहा है। नाही, मी सगळ्यांना सांगायची, आज हा मुलगा बघून गेला, आज तो मुलगा बघून गेला, असं सगळ्यांना सांगायचं। मी शेअर करते। तेव्हा तुमच्या मनात काय व्हायचं, मुलगा बघून गेला काढल्यावर? म्हणून म्हटलं फार आता थांबायला नको, विचारून टाकूया। म्हणून झालं होतं इकडे, ती मुलं येऊन गेली की हा मुलगा अस्वस्थ व्हायचा। पण तुला झोप नाही आली का? आता मी आलोय ना, आपण झोपायला जाऊ। मला छोट्या मामाची आठवण येते, त्याने तिच्याकडे जायचंय। पण